हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स ट्यूटोरियल बाय जिंकल ग्रोवर। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज मोशन इन अ प्लेन, राइट? सो फर्स्ट चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डन, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज मोशन इन अ प्लेन। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। So our first topic in this chapter is a unit vector. What is basically a unit vector? A vector divided by its magnitude along the direction of vector is known as a unit vector. That means अगर आप किसी भी vector को, हमने पहले vector पढ़ चुके हैं हम first chapter में हमारे, right? तो हम vector को कैसे show up करते हैं? See, this is a vector. This arrowhead symbol shows that this quantity is a vector quantity, right? And the what is the magnitude of this vector? That is shown by A. Clear? So now, what is unit vector? Raji, name se hi clear hai. What is unit vector? So unit means the magnitude 1, right? So the vector that have magnitude 1 is known as a unit vector. Clear? सो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे किसी भी यूनिट वेक्टर को? तो हर एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर? सो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो हम उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इफ यू वांट टू फाइंड द यूनिट वेक्टर देन हाउ यू विल फाइंड इट? सो व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन? फर्स्ट आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ए। This symbol is you can call hat or cap, right? So this is a cap. You want to find the unit vector. According to definition, what we see when you divide a vector, divide by its magnitude, you will get your unit vector, right? So what is unit vector? Vector divided by its magnitude. So on multiplying magnitude with unit vector, you will get your full vector. That means आपके पास अगर आपको a vector है, आपको इसकी magnitude find out करने के लिए ये वाला term contribution देगा and this term unit vector आपको direction के बारे में बताता है, clear? क्योंकि magnitude तो रजे उसका one ही होता है, right? So if the magnitude is one and a cap आपको निकालना है, that means direction है वो, तो अगर आप direction भी आपके पास magnitude भी आप सीधा vector निकाल सकते हैं, clear? So a vector is equal to magnitude into its direction, then you will get your a vector. Okay, so this is the concept of unit vector. अगर आपको कोई भी unit vector निकालना है, vector निकालिए, उसका magnitude निकालिए, you will get the full vector, a vector, that is the unit vector. Okay, so next is आप किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करिए उसकी डायरेक्शन के साथ, यू विल गेट दिस वेक्टर, क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आपके पास थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स होते हैं रजे। सी, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, क्लियर? तो एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, जेड डायरेक्शन में के कैप, क्लियर? आपको पता है हम यूनिट वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप से। तो आपके पास थ्री डायरेक्शन है जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम तीन कोऑर्डिनेट ले रहे हैं एक्स वाई जेड जो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वैक्टर हम लेते हैं वो होता है आई कैप, वाई के अलोंग जो यूनिट वैक्टर लेते हैं वो होता है जे कैप, एंड जो जेड के अलोंग यूनिट वैक्टर कंसिडर करते हैं वो होता है के कैप। प्लीज रिमेंबर इट, होल द चैप्टर इज बेस्ड ऑन यूनिट वैक्टर, हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ वैक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वैक्टर, राइट? सो आपको अभी ए वैक्टर फाइंड आउट करना है, क्लियर? आपने इस थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी एक ए वैक्टर ड्रॉ करते हैं, लेट्स सी, आई विल शो यू हेयर। सो फॉर एग्जाम्पल हेयर यू विल ड्रॉ ए वैक्टर, राइट? सो वॉट यू हैव टू डन, यू हैव टू रिजोल्व दिस वैक्टर अलॉन्ग थ्री डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। नाउ ए वैक्टर इज इक्वल टू आई कैप, आई कैप किसके अलॉन्ग था? एक्स के अलॉन्ग। तो
तो डायरेक्शन तो मिल गई क्योंकि हमने देखा था वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन मिल गई आई कैप, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज अप टू यू, कुछ भी मैग्नीट्यूड लो, चाहे एक्स ले लो चाहे ए एक्स लिख सकते हो, राइट। प्लस नेक्स्ट वाई के अलोंग डायरेक्शन क्या थी, जे कैप इंटू इट्स मैग्नीट्यूड। प्लस जेड के अलोंग डायरेक्शन क्या है, के कैप इंटू इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर। सो इस तरह से हम एक वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। रजे, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रेजोल्यूशन, द फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन, राइट। सो वॉट यू मीन बाई कॉम्पोजिशन, देन वी विल अंडरस्टैंड वॉट इज रेजोल्यूशन। वॉट इज कॉम्पोजिशन? कॉम्पोजिशन मीन्स वेन यू एड टू वैक्टर्स, राइट। सो वेन यू टू एड टू वैक्टर्स बाय एनी लॉ, एज वी हैव डन द ट्रेंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन एंड द पैरेललोग्राम ऑफ वैक्टर एडिशन, तो आप किसी भी लॉ से जब दो सिंगल वैक्टर्स से एडअप करके एक सिंगल नॉर्मल, टू सिंगल वैक्टर्स, वेन यू विल एड इट यू विल गेट अनदर थर्ड वैक्टर, राइट। तो दैट मीन्स आपने दो से एक वैक्टर बना दिया, आपने उसको कंबाइन कर दिया, कॉम्पोजिट कर दिया, राइट। सो दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ वैक्टर। नाउ कम टू रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इज अ कन्वर्स ऑफ कॉम्पोजिशन, दैट मीन्स उल्टा है। कॉम्पोजिशन में हम दो से एक बनाते हैं, रेजोल्यूशन में हम एक से दो करते हैं, राइट। दैट मीन्स हम अपने वैक्टर को डिवाइड कर देते हैं, रेजोल्यूशन में डिवाइड करते हैं, कॉम्पोजिशन में कंबाइन करते थे। क्लियर। सो नाउ आर टॉपिक इज रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर इन अ प्लेन। तो आप किसी भी वेक्टर को डिवाइड करना चाहते हैं टू वेक्टर्स में, सो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ए वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स इज नोन एज द रेजोल्यूशन वेक्टर। क्लियर। तो आपको किसी एक वेक्टर को टू वेक्टर्स में डिवाइड अप करना है। सो दिस इज आर वेक्टर, यू हैव टू डिवाइड दिस वेक्टर अलोंग द टू डायरेक्शंस। आपको वो टू डायरेक्शंस गिवन है, एक ए और एक बी। सो यू हैव टू रिजॉल्व दिस आर वेक्टर अलोंग टू डायरेक्शन, दैट इज वन इज ए वैक्टर एंड अनदर वन इज बी वैक्टर, राइट। सो आई हैव रिटन हियर, यू हैव टू रिजोल्व आर इन टू टू कॉम्पोनेंट, वन अलोंग द ए वैक्टर एंड अदर अलोंग द बी वैक्टर। नाउ नेक्स्ट थिंग, वेन यू रिजोल्व दिस वैक्टर अलोंग द टू डायरेक्शन, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जब इसको रिजोल्व करोगे डायरेक्शन आपको सेम रखनी है, दैट मीन्स आपको ए के अलोंग ही रिजोल्व करना है, राइट। बट इसका मैग्नीट्यूड, दैट मीन ये स्केलर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट, आइदर टू आइदर थ्री, बट नॉट वेरिंग कि एक टाइम पे आप रिजोल्व कर रहे हो तो एम की वैल्यू टू हो रही है और नेक्स्ट टाइम रिजोल्व कर रहे हो तो थ्री हो रही है, नो नॉट लाइक दैट। तो सी, जब आप आर को रिजोल्व करोगे ए और बी डायरेक्शन के अलॉन्ग, हेयर द स्केलर इज एम एंड हेयर इट्स एन, तो नॉट नेसेसरी कि सेम मैग्नीट्यूड के वैक्टर ही मिलेंगे हम, हमें टू ए मिल सकते हैं, थ्री ए मिल सकते हैं, बट डायरेक्शन सेम रहेगी अलॉन्ग द ए, ये स्केलर की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी, चाहे टू लो चाहे थ्री चाहे फोर, बट फॉर द टाइम बींग इट विल बी फिक्स, नॉट वेरिंग, अगर आप एक सिंगल वैक्टर ले रहे हो। अगर आपने कोई और ही वैक्टर ले लिया आर प्राइम, देन इट मे बी वेरी, यहाँ पे एम प्राइम और एन प्राइम हो सकता है, बट फॉर सिंगल वैक्टर, अगर आपको आर को ए और बी में रिजोल्व करना है तो ये स्केलर वैल्यूज यूनिक रहेंगी, एम एंड एन, राइट। सो दीज स्केलर वैल्यूज आर यूनिक वेन यू रिजोल्व आर वैक्टर इन टू ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। नाउ हाउ कैन यू राइट दिस? ऑब्वियसली बाई यूजिंग द ट्रेंगल ऑफ वैक्टर एडिशन, इसका हेड दूसरे के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स यू विल एड दिस इजिली, राइट। तो जब भी आप किसी दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो आप क्या करते हो, प्लीज रिमेम्बर, आपका जो फर्स्ट का यूनिट वेक्टर, दैट मींस जो फर्स्ट वेक्टर है उसका जो हेड है वो दूसरे के टेल के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, राइट। तो जब भी आप किसी भी टू वेक्टर्स को ऐड करते हो, एक वेक्टर का जो हेड होगा वो दूसरे की टेल के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। क्लियर। नाउ तो इसीलिए हम ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम टू वेक्टर्स को कभी ऐड नहीं कर सकते। नाउ व्हेन यू विल ऐड टू वेक्टर्स एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर, दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर एम ए वेक्टर एंड दिस इज योर सेकंड वेक्टर एन बी वेक्टर, जस्ट ऐड दिस टू वेक्टर्स एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर, यू विल गेट योर रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर, राइट। सो दैट मीन्स एम एंड एन हैव देयर यूनिक वैल्यूज। तो आप कैसे शो अप कर सकते हैं कि इनकी वैल्यूज हमेशा एम एन एन फिक्स ही रहेंगी, कोई और चेंज नहीं हो सकती है? लेट्स सी इट्स प्रूफ।
सो यू विल सी हम प्रूव करेंगे यूनिकनेस किसकी, एम और एन की. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एज्यूम कर लिया, एज्यूम मीन्स हम गलत एज्यूम भी कर सकते हैं, बाद में पता चलेगा हमने सही एज्यूम किया था या नहीं, मे बी इट विल बी करेक्ट और रॉन्ग, राइट. सो मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें एज्यूम नहीं कर सकती. एम और एन की यूनिक वैल्यूज टू, यहाँ पे टू ही रहेगा, अगर यहाँ पे थ्री था पहले तो थ्री ही रहेगा. बट अगर मैं देखना चाहती हूँ कि ये वैल्यूज कॉन्स्टेंट ही रहती है या नहीं, राइट, सो वॉट यू विल डू, मैंने क्या किया, एम की जगह एम प्राइम ले लिया कि मैं आर को रिजोल्व कर सकती हूँ, और एन की जगह एन प्राइम, डायरेक्शन मुझे सेम ही रखनी है, मैंने आपको बताया, क्लियर. तो अगर मैं आर वेक्टर को ये भी लिख सकती हूँ, और पहले मैंने आर वेक्टर को रिजोल्व किया था एम ए वैक्टर प्लस एन बी वैक्टर, तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, सो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी. सो यू विल इक्वेट द लेफ्ट राइट हैंड साइड्स, एम ए वैक्टर प्लस एन बी वैक्टर दैट इज इक्वल टू एम प्राइम ए वैक्टर प्लस एन प्राइम बी वैक्टर, क्लियर. सो ए वैक्टर वाली टर्म्स को एक साइड पे कलेक्ट करिए, बी वैक्टर वाली साइड्स को, बी वैक्टर की जो टर्म्स है उसको एक साइड पे, एम ए वैक्टर यहाँ पे इधर लाएंगे, एम माइनस एम प्राइम हो जाएगा, ए वैक्टर कॉमन इज इक्वल टू एन प्राइम माइनस एन, इधर लाएंगे बी वैक्टर बाहर, क्लियर. सो वॉट यू विल सी, ये दोनों में इक्वेलिटी है, क्लियर. सो आप इक्वेलिटी कब चाहोगे, जब ये दोनों इक्वल हो साइड्स. बट ये इक्वल किस केस में हो सकती हैं, क्योंकि देखो ए और बी वेक्टर दोनों डिफरेंट है, ये दोनों तो सेम हो नहीं सकते. बचे कौन कौन से दो टर्म, एक एम माइनस एम प्राइम और एक एन माइनस एन प्राइम, तो इनके हाथ में है कि इन दोनों को टर्म्स को इक्वल कर दे ऑल ओवर. कैसे कर सकते हैं, ए कैन ओनली द ऑप्शन दैट वी हैव इज जीरो, अगर ये दोनों टर्म जीरो हो जाएं तो इक्वेलिटी होल्ड कर सकती है, क्लियर. सो बाय दिस कंसेप्ट दैट मीन्स टू वेक्टर्स दे आर नॉट इक्वल, तो आपके पास सिर्फ ये दोनों टर्म्स बचती हैं, आपको इक्वेलिटी साइन को होल्ड करवाना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल रहें, तो आपके पास ऑप्शन बचती है कि ये दोनों टर्म जीरो हो जाएं, क्लियर. नाउ एम माइनस एम प्राइम इज इक्वल टू जीरो कॉमा एन प्राइम माइनस एन इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारे पास यही ऑप्शन थी. सो वॉट यू विल गेट ऑन सॉल्विंग, एम इज इक्वल टू एम प्राइम, एन प्राइम इक्वल टू एन, दैट मीन्स कुछ भी चेंज कर लो एम प्राइम की जगह, चाहे आप एम डबल प्राइम ले लो, आपके पास उसकी वैल्यू एम और एन ही आने वाली है. तो हमने सही एज्यूम नहीं किया, क्योंकि उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, वैल्यूज यूनिक ही आएंगी, तो एम एंड एन हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे, उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होगी. सो इट विल शो दैट दे हैव यूनिक वैल्यूज, राइट. सो दिस इज द कंसेप्ट. नेक्स्ट इज, अगर हम एक वैक्टर को रिजोल्व करना चाहते हैं ए वैक्टर के अलॉन्ग और बी वैक्टर के अलॉन्ग, पहले हमने यहाँ पे ए वैक्टर लिखा था और बी वैक्टर लिखा था, बट नाउ दैट इज़ अप टू यू कि आप जब रिजोल्व करोगे आप यूनिट वैक्टर्स भी ले सकते हो. सो यू हैव टू रिजोल्व दिस आर वैक्टर, डायरेक्शन वही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में यूनिट वैक्टर और नॉर्मल वैक्टर की डायरेक्शन सेम रहती है, बस मैग्नीट्यूड वन हो जाता है उसका, यही डिफरेंस है दोनों में, क्लियर. सो दैट मीन्स जब आप रिजोल्व करोगे आर वैक्टर को एक वैक्टर के अलॉन्ग, तो यूनिट वैक्टर की डायरेक्शन तो यही रहेगी, स्केलर्स भी सेम, बस आपको जस्ट चेंज क्या करना है यहाँ पे कैप का साइन, कि अब आप यूनिट वेक्टर ले रहे हो, राइट. सो इट इज़ अप टू यू, आप कोई भी डायरेक्शन लो, बट डायरेक्शन कॉन्स्टेंट रखो, ये वैल्यूज स्केलर्स हैं जो उनको कॉन्स्टेंट रखो, क्लियर. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, एक्स के अलॉन्ग आई कैप होता है यूनिट वैक्टर, वाई के अलॉन्ग जे कैप, जेड के अलॉन्ग के कैप, मैग्नीट्यूड सबका वन वन, क्योंकि सब यूनिट वैक्टर्स हैं, क्लियर. नेक्स्ट, ये तीनों की तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होती हैं, ये भी ऑलरेडी आपको बताया गया. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, आप किसी भी वेक्टर को रेजोल्यूशन कैसे कर सकते हो, राइट. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट आई विल रिपीट दिस अगेन इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स. अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड, इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है. तो इस एक्स के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वैक्टर आता है, आई कैप, वाई के अलॉन्ग जे कैप, जेड के अलॉन्ग के कैप. अगर आपको एक वैक्टर को थ्री डायरेक्शन के अलॉन्ग में रिजोल्व करना है तो कैसे करोगे, मैंने आपको बताया हम एडिशन कर सकते हैं, राइट. तो अगर तो आपके पास 3D है दैट मीन्स तीनों डायरेक्शन लोगे एक्स वाई जेड, अगर 2D है तो सिर्फ एक्स वाई, तो वो आप पे डिपेंड है, राइट. सो विच टू डायरेक्शन यू हैव टू टेक. नाउ दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू, कैसे शो करेंगे, वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है उसके साथ हम उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स डायरेक्शन. तो आर वेक्टर को फर्स्ट में रिजोल्व करेंगे मैग्नीट्यूड अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन इनटू डायरेक्शन क्या है आई कैप, प्लस मैग्नीट्यूड क्या है वाई इंटू डायरेक्शन जे कैप, प्लस जेड दैट इज मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन के कैप.
So this is the thing how we resolve this r vector along the three directions, right? तो ये जो x, y, z है राजी वो क्या बताते हैं हमें? ये बताते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है along individual directions. अगर मुझे टोटल r वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे? वो हम अभी डेरिवेशन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस r वेक्टर का हमें अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं. क्लियर? नाउ मैंने आपको बताया अगर आपको टू डायरेक्शन में लेना है तो आप z को स्किप करोगे, सिर्फ टू डायरेक्शन के अलॉन्ग रिजोल्व करोगे इस r वेक्टर को, इसके अलॉन्ग और इसके अलॉन्ग. वन इज x एंड सेकेंड वन इज y, राइट? ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, आप सबको पता है जिसके साथ एंगल बनता है r वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल बना रही है, दैट इज थीटा. आप ट्रायंगल लो ओ पी आर. ओ पी आर ट्रायंगल क्या है? राइट हैंड एंगल ट्रायंगल है. इसमें कोस थीटा क्या होगा? बेस, दैट इज ओ पी, अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज आर. सो कोस थीटा क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन आर. ओनली आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेना है, राइट? सो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ओ पी डिवाइड बाई ओ आर इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई आर. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू आर कोस थीटा यू विल गेट ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग. मेक इट एज इक्वेशन नंबर वन. सिमिलरली इन सिमिलर ट्रायंगल ओ पी आर ट्रायंगल में साइन थीटा फाइंड आउट करिए. पहले जैसे कोस थीटा किया आप साइन थीटा. साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट? सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है पी आर, हाइपोटेन्यूज है ओ आर, राइट? तो वाई अपोन आर. वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, निकालिए आर साइन थीटा. क्लियर? नाउ वॉट यू हैव टू डन, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द एक्सप्रेशन ऑफ आर आर वेक्टर दैट वी रिजॉल्व. सो राजे ये हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. एक्स की जगह वैल्यू पुट करिए आर कोस थीटा आई कैप प्लस वाई की जगह आर साइन थीटा जे कैप, जो हमने ट्रायंगल से निकाली. तो हमने क्या किया, अपने रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दिया. जो आर और थीटा की फॉर्म में होते हैं वो होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स. सो यू विल कन्वर्ट द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स इन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, राइट? सो यू हैव टू राइट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. ये तो हो गया रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स की फॉर्म में एंड ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म. सो अप टू नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव कन्वर्ट और वी हैव राइट रिजोल्व द कॉम्पोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग द एक्स डायरेक्शन एंड अदर इज अलोंग द वाई डायरेक्शन, राइट? सो नाउ नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बताया, अभी तक हमने सिर्फ फाइंड आउट क्या करना सीखा है, एक आर वेक्टर. क्लियर? हम जब अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हमें तो मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है उसके लिए. क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला था वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, और अभी तक हमें मैग्नीट्यूड ही नहीं पता कि कैसे फाइंड आउट करें. सो लेट्स सी हाउ यू विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर वेक्टर, राइट? सो रजे मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, उसके लिए हमें फॉर्मूला क्या लगाते हैं? जो फर्स्ट वेक्टर आई कैप के कौन सा मैग्नीट्यूड है आगे? एक्स. तो आप लिखेंगे x का स्क्वायर. क्लियर? y क्या? j कैप है डायरेक्शन, उसके अलोंग कौन सा मैग्नीट्यूड है? y. सो आप लिखेंगे y स्क्वायर प्लस फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज x, सेकेंड का मैग्नीट्यूड दैट इज y. x और y में एंगल क्या है? दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, x y z तीनों ही वैसे तो, बट आप 2 ले रहे हो तो 90 cos 90 0. सो थर्ड टर्म विल गिव यू 0. यू विल लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. That is the magnitude of vector, that is x square plus y square, right? So in this way you will have to find the magnitude of vector. अगर आपके पास z भी होता तो यहाँ plus में एक z square component आ जाता. क्लियर? तो आपको basically parallelogram of vector addition का formula है ये, जो आपको apply करना है इस vector पे, आपको magnitude मिल जाएगा, right? आपको किसी भी form में, यहाँ पे for example 3 दिया होता, यहाँ पे 4, आप क्या करते? 3 square plus 4 square. That means 9 plus 16, तो that means 25 बन गया. रूट 25 करोगे आपका आंसर आ जाएगा 5. क्लियर? सो इन दिस वे यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. सो दैट एक न्यूमेरिकल करते हैं, आप और क्लियर हो जाओगे. ए वेक्टर आपको गिवन है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप. बी वेक्टर गिवन है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, राइट? इसमें 2 कॉम्पोनेंट्स है, इसमें 3. आपको इन दोनों को सही से देखना है कि कॉम्पोनेंट में कैसे लिख सकते हैं. रजे अगर आपको कॉम्पोनेंट नहीं दिया है तो आप खुद से लिख लीजिए 0 के कैप. क्लियर? बी में तो के है ही, तो तीनों, अब दोनों में क्या हो गया, आई भी है, जे भी है, के भी है, इसमें भी आई भी
जे बी के बी। आपको क्या फाइंड करना है? लेंथ। लेंथ होता है मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, किसका? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। सो यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर आपको गिवेन है, बी वेक्टर गिवेन है, प्लस है तो दैट मीन्स आपको ऐड करना है दोनों वेक्टर्स को। आपको ऐड कैसे करना है प्लीज रिमेंबर, आई कैप वाले कॉम्पोनेंट्स को आपस में ऐड करना है, जे कैप वाले कॉम्पोनेंट्स को आपस में और के कैप वाले कॉम्पोनेंट्स को आपस में। क्लियर? तो आप ए कैप ए वैक्टर को करो 3 प्लस दिस 1 4 हो गया और आई कैप कॉमन एज इट इज प्लस 2 इसका और इसके जे के आगे माइनस 2 है। रिमेंबर इट, साइन आपको कंसीडर अच्छे से करने हैं। 2 माइनस 2 जे कैप प्लस यहाँ पे 0 3 0 प्लस 3 के कैप, ए प्लस बी वैक्टर आ गया। अभी तक सिर्फ वैक्टर आया, मैग्नीट्यूड नहीं आया। कैसे करोगे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट इसका, ए प्लस बी वैक्टर का? आगे वाले कॉम्पोनेंट उठाइए, ये उठाना होता है 4 स्क्वायर, फिर इसका 0 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर, ऐड करिए स्क्वायर रूट करिए, यू विल गेट योर मैग्नीट्यूड। दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, राइट? नेक्स्ट, अगर आपको ए माइनस भी फाइंड आउट करना है तो आप माइनस कर दीजिए कॉम्पोनेंट वाइज, 3 माइनस 1 2, आई कैप एज इट इज 2 माइनस 2 0। नाउ यू विल सी यहाँ पे माइनस मुझे करना है, ये माइनस, इसमें भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, इसीलिए 2 प्लस 2 4। नाउ 0 माइनस 3 माइनस इसका सिंबल है इसीलिए माइनस यहाँ होता जा रहा है। क्लियर? तो यू विल गेट अगेन वेक्टर, मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना आता है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट लो, आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, राइट? सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, यूनिट वेक्टर क्या होता है सबसे पहले, राइट? आई विल शो यू सो दैट यू विल फैमिलियर। यस, सबसे चैप्टर 2 था हमारा ये आज का। सबसे पहले हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर क्या होता है। लेट्स सी, यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। नेक्स्ट हमने पढ़ा रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग करना एक वेक्टर को 2 वेक्टर्स के अलॉन्ग। फिर हमने पढ़ा रिजोल्व कैसे करते हैं, बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर हमने यूनिकनेस पढ़ी इन स्केलर्स की। नेक्स्ट फिर हमने किया रजे यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स, एक्स के लॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, वाई के लॉन्ग कौन सा और जेड के लॉन्ग कौन सा। तो ये हो गया आई जे के कैप 3 डायरेक्शन के लॉन्ग। नेक्स्ट हमने क्या किया, कॉम्पोनेंट्स को रेक्टेंगुलर को पोलर कोऑर्डिनेट में देखा कैसे लिख सकते हैं। फिर हमने मैग्नीट्यूड देखा, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड आगे वाले कॉम्पोनेंट्स का स्क्वेयर करना और एंगल देखना है और यू विल इजिली फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, राइट? नेक्स्ट हमने ये न्यूमेरिकल किया। सो आई थिंक एट दिस पॉइंट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं और रेजोल्यूशन कैसे करते हैं, रिजोल्व कैसे करते हैं। ठीक है? सो इफ देयर इज एनी डाउट एनी क्वेरी अप टू दिस पॉइंट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पेज सो दैट यू विल गेट द अपडेट्स फॉर फर्दर वीडियोज, फर्दर वीडियो लेक्चर। यू विल गेट PDF ऑल्सो ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑफिशियल इंस्टाग्राम। You will get the link for Instagram ID from my description given below. And one more thing, you will also comment me if you want कि आपको कोई और video lecture चाहिए किसी और topic पे, right? So you can discuss me any doubt, any time on the Instagram either or in the comment section. Please let me know if you find any difficulty while understanding the video lecture, right? Okay. थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, गुड बाय। एंड वन मोर थिंग, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब इट, राइट? सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। प्लीज़ आफ्टर सब्सक्राइबिंग हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट मोर अपडेट, राइट? ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर फिजिक्स ट्यूटोरियल्स बाय जिंकल ग्रोवर। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, गुड बाय।